तो जनवरी ऑलमोस्ट हो चुका है खत्म एंड फेब्रुअरी आने में कुछ ही दिन बाकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं टॉप अपकमिंग फोन्स ऑन फेब्रुअरी 2020। तो जनवरी के महीने में हमें काफी अच्छे अच्छे फोन देखने को मिला था। इसमें से जो सबसे सस्ता कंप्लीट बेजललेस पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ लॉन्च हुआ था वो था हमारा ऑनर 9X। और फेब्रुअरी के अंदर में हमें काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो की बजट के अंदर में पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड पंच होल कैमरा के साथ होगा लॉन्च। तो चलिए बात कर लेते हैं अंडर 20,000 में कौन सा फोन फेब्रुअरी के अंदर में लॉन्च होगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। सो स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो फोन लॉन्च होगा मिड ऑफ फेब्रुअरी के अंदर में वो होगा हमारा रेडमी के 34G वेरिएंट जो कि ऑलरेडी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है। दोस्तों साथ ही साथ अगेन यहाँ पे मी नोट 10 भी लॉन्च होगा शाओमी का ही। दोस्तों रेडमी के 34G वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन 730G एंड दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे क्वाड रियर कैमरा और यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग देखने को मिलेगा रेडमी के 34G वेरिएंट का वो होगा 17,000 से लेकर 18,000। दोस्तों यहाँ पे मी नोट 10 के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तों ये कुछ ही दिन आगे चाइना के अंदर लॉन्च हुआ था 108 मेगापिक्सल कैमरे के साथ। वही सेम फोन हमें इंडिया के अंदर दिखने को मिलेगा, क्वाड रियर कैमरा मिलेगा, एज डिस्प्ले होगा। दोस्तों बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन होगा ये फोन भी, हमें फेब्रुअरी के अंदर दिखने को मिलेगा। और गाइस यहाँ पे जो दूसरा फोन लॉन्च होगा इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स हॉट S5 प्रो जो कि अंडर 10,000 में फुल व्यू डिस्प्ले क्वाड रियर कैमरा के साथ लॉन्च होगा फेब्रुअरी के अंदर में। और दोस्तों साथ ही साथ हो सकता है इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिखने को मिल जाए जो कि एक पॉपअप सेल्फी कैमरा होगा। अभी बात करते हैं रियलमी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे Realme 6 सीरीज ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है फेब्रुअरी के अंदर में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे Realme X50 का 4G वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे Realme का एक और फोन आने वाला है जो कि 720G स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों काफी सारे स्मार्टफोन Realme की तरफ से फेब्रुअरी के अंदर में हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ Samsung अपना A51 को लॉन्च करेगा मिड ऑफ फेब्रुअरी के अंदर में। इस फोन में आपको जो चिपसेट मिलेगा Exynos 9611 का, एल शेप क्वाड रियर कैमरा एंड पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। जो प्राइस होगा इस फोन का 20,000 से लेकर 22,000 तक लॉन्च होगा इंडिया के अंदर। Samsung A51 भी हमें इसी मंथ देखने को मिलेगा। और फाइनली गाइस यहां पे Poco F2, बहुत दिन के बाद Poco F2 फाइनली कंफर्म हो चुका है। ये फोन बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे Poco अभी एक इंडिविजुअल ब्रांड है, ये Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है। तो आने वाले टाइम पे हमें Poco की तरफ से बहुत ही अच्छे फोन देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है दोस्तों। साथ ही साथ यहां पे Poco F2 का एक टीजर वीडियो भी आ चुका है। तो यही था मेरा पूरा कंप्लीट लिस्ट ऑफ 5 अपकमिंग बेस्ट फोन अंडर 20,000 जो कि फेब्रुअरी के अंदर में लॉन्च होने वाला है। आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हो, कोई भी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। सो थोड़ा सा वेट कर लो, कुछ ही दिन बाकी है जनवरी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए Tech42 चैनल को। सो मैं आपसे मिलता हूं अगले किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।